उन्होंने इफको किसान की स्थापना की। इफको किसान के माध्यम से आपको सहायता सूचनाएं देनी शुरू कर दी। सरकार की योजनाएं वो भी आपको बतानी शुरू कर दी। इफको कोई बैंक तो है नहीं, आपने शेयर लिया आपको डिविडेंड दे रहे। अब कोई नई सोसाइटी आए, 1,000 रुपए 10,000 रुपए सोसाइटी आए, उसको हम लोग मेंबर बनाते हैं। आपका 1,00,000-10,00,000 करोड़ रुपया क्यों लिया जाए? आप सोचिए, एक तरफ भारत सरकार 5,000-6,000 करोड़ रुपया हम लोगों का हर साल 5-6 साल से लगातार चलता रहा, उससे भयंकर ब्याज लगता, भयंकर ब्याज, आप समझिए। उसके बाद भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारे प्लांट, आपके प्लांट इतने एफिशिएंट है, हमारा मैनेजमेंट इतना पारदर्शी है, हम पारदर्शिता के साथ पूरा काम करते हैं, इससे हम सर्वाइव कर। तो जब आपको 20% डिविडेंड देते हैं, 425 करोड़ रुपए मानी इक्विटी है, जिस दिन हमारी एजीएम हो रही होती है, जैसे अकाउंट पास होता है, और ये मई के पहले हम लोग ये मीटिंग करते हैं, कि उसी समय बटन दब जाता है और आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। मुझे बताइए, कौन ऐसी संस्था है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, किसने 60-61 दिन के अंदर आपको डिविडेंड दिया है? इसी कहते हैं ना, भगवान का जो माध्यम होता है, वो भगवान के यहाँ जो पूजा करता है उससे होता है। तो हमारे भगवान आप, हमारे पुजारी आप, हमारे मालिक आप, हमारे कंज्यूमर आप सब कुछ हमारे, तो आपके माध्यम से ही तो हम चलेंगे। आप हमें मजबूत करेंगे तो हम आपको मजबूत कर पाएंगे। जब इस देश में खाद की समस्या थी, तो इफको ने घाटा उठा करके भी आपको खाद की सप्लाई की। आज यद इंटरनेशनल में खाद जो है वो सरप्लस हो गई, तो आज यदि कोई प्राइवेट वाला आपको आग बोलता है कि हम इतना पैसा आपको दे देंगे, आप नहीं देते, तो आपको हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए कि उनके साथ खड़ा। और हम आपको ये वादा करते हैं कि आपको हम घाटा नहीं होने देंगे। मॉडल सेंटर के रूप में हजारों सेंटर अपने देश में बने और किसानों के सुविधाएं मिले, जो गरीब आदमी उसको सुविधा मिले, इस सब का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमने जो भी इफको में किया, हमने जो भी इफको में प्रॉफिट भी किया, तो हमारा ये नहीं था, गांधी जी कहा करते थे, भाई इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो हमारा आवश्यकता है उसके लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लोभ के लिए कुछ नहीं। तो जो हमारी कोऑपरेटिव है, जो हमारी इफको है, इसको हम लोभ के साथ नहीं चलाते।